हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड 26,000 एक भर्ती में बड़ा मोड़ क्या आया है, इसके बारे में बात करेंगे। झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था की जो देख रेख करने वाली संस्था है जिसका नाम है शिक्षा विभाग, वो क्या कर रही है? क्या झारखंड में शिक्षक भर्ती की तैयारी छोड़ देनी चाहिए? हेमंत सोरेन हमें जवाब दें। ये लग रहा होगा आपको कि ये कैची है और सिर्फ व्यूज पाने का एक तरीका है, तो मैं आपको बता दूं, मैं सारे पॉइंट आपको गिना दूंगा। ऑब्वियसली व्यूज मुझे मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, ये तो बिटर ट्रूथ है जिसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो आपको देखनी चाहिए। सरकार कर क्या रही है आपके साथ? हमेशा से ये जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बार बार, इसके बारे में आपको थोड़ा सा चिंतित होने की जरूरत है। अगली बार वोट देने जाओ तो इस इंसान को याद रखना, इस इंसान को अपने कुर्सी के अलावा और किसी चीज की नहीं पड़ी है। ईडी के छापेमारी पे तुरंत ये आगे आ जाते हैं, गांडे से जो है एक विधायक हैं उनका इस्तीफा ले लिया जाता है और अपनी बीबी को प्रोजेक्ट करते हैं ये कि इनको सीएम बना देंगे। तो खैर बीसियों तरह की बातें चल रही है, लेकिन झारखंड में शिक्षक भर्ती कैसे आएगी इस इंसान को तनिक भी चिंता नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, तो भैया हाँ, मैं बीजेपी का ही एजेंट हूं, आप मुझे बीजेपी का ही एजेंट समझ लो। अगर सच बोलने से बीजेपी का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट अगर माना जाता है, तो भैया मैं पाकिस्तान का भी हूं और मैं बीजेपी का भी हूं, ऐसा ही आप मुझे कह सकते हो। बहुत तकलीफ होती है जब आप झारखंड राज्य में पैदा होते हो और इस तरह की परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है। आप काबिल हो, फिर भी आपको जो है आपके काबिलियत पे यहां पे जो है मूल्यांकन आपका झारखंड में नहीं होने वाला है। देखिए ऐसी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सॉलिड एविडेंस लेकर आया हूँ कि सरकार भर्ती कराना ही नहीं चाहती है। आप बिहार जाकर देख लो, 3 महीने के अंदर उन्होंने लाखों लाखों की भर्तियां दे दी और कैसे इंटेंशन होता है, एग्जाम देकर विद्यार्थी घर नहीं पहुंच रहे हैं, रूम नहीं पहुंच रहे हैं, उससे पहले आंसर की पहुंच रही है, उसके बाद फटाफट प्रोविजनल आंसर किया जाता है और रिजल्ट भी तुरंत आता है और बहाली भी तुरंत आती है और लोगों को बहाल भी कर दिया जाता है, नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता है। लेकिन एक हमारे साहब हैं, कान में इन्होंने जो कौन सा तेल डाला है कि सोए पड़े हैं, इनको नियुक्तियों से कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल आज बहुत कड़वे मूड में हूँ कि इस तरह की चीज़ें झारखंड में हो रही है। आप पता नहीं कितनी बात से मेरे इत्तेफाक रखोगे, एग्री करोगे, लेकिन जिस तरह से जो भी चीज़ें हो रही है इसका कोई ना कोई एक सिरा मिलना चाहिए, ये अंत होना चाहिए। जब हाईकोर्ट के द्वारा, आप लोगों को पता होगा, हाईकोर्ट के द्वारा बोल दिया गया कि भैया झारखंड के जो भी रेसिडेंट्स हैं, यानी कि झारखंड के जो निवासी हैं, उन सभी लोगों को जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है उनको आप जो है भर्ती में शामिल कीजिए, तो इन्होंने नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं निकाला है, ये किसके इंतजार में है? और तो और इन्होंने अगले ही दिन, हाईकोर्ट के अगले ही दिन ऑर्डर आने पर क्या कह दिया कि जिन्होंने पुराने भर्तियों में जिन्होंने अप्लीकेशन फॉर्म दिया है उनका एग्जाम 13 जनवरी से ये कंडक्ट कराएंगे। वाह महोदय, बहुत अच्छी बात है, 13 जनवरी से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद देखो, अभी मैं असली खेल बताता हूँ, मेरे कड़वाहट की असली वजह क्या है वो मैं भी आपको एक लेटर दिखाऊंगा, उसके बाद आपको चीजें पता चलेगी। फिलहाल देखिए, यहाँ से मैं आपको लेटर ही दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ से आपको दिखेगा झारखंड सरकार स्कूली साक्षरता एवं जो साक्षरता विभाग है उसके द्वारा एक लेटर दिया गया है 5/1/2024 को। अब यहाँ से देखिए, जिन्होंने लेटर भेजा उनका नाम है कैलाश मिश्रा, और इन्होंने लेटर में किसको भेजा है, परिमल कुमार को, कालेश्वर रविदास गुलजारबाग गोड्डा के ये रहने वाले हैं। और परिमल कुमार के बारे में आप अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका शुरू से जो है, मैं इन लोगों की दाद देता हूँ, इन लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है अपने लिए, आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इन लोगों ने भूख हड़ताल किया था, सरकार ने इनको जबरदस्ती पकड़कर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया और इन लोगों को खाना खिलाया और इनका अनशन तुड़वाया है, तो इन लोग सैल्यूट के काबिल हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीजें बदल चुकी है। वही बात कही जाती है ना कि आपके दादा या परदादा जी की शादी बाल विवाह के अंतर्गत हो गई होगी, इसका मतलब ये नहीं कि पोते का भी शादी जो है बाल विवाह के अंतर्गत या पोती की शादी बाल विवाह के अंतर्गत करा दी जाए। तो ऐसी चीजें हुई थी। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं ये है कौन, ये जेटेट 2016 को डायरेक्ट बहाली मांग रहे हैं ये परिमल कुमार। इनका कहना है कि जेटेट जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन सभी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है डायरेक्ट भर्ती दी जाए। इसमें मैं आपको बताऊं, मैं दो लोगों, देखिए एक्चुअली जो जेटेट 12 है ना, 2012 में क्या किया गया था, जेटेट 12 में जिन लोगों ने उत्तीर्ण किया था उन लोगों को डायरेक्ट मेरिट बेस पे जो है, मेरिट के बेस पे इन लोगों को नौकरी दे दी गई थी। अब देखिए वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है,
अब बिहार को ही देख लो आप, बिहार में भी पहले इसी तरह से भर्ती दी जाती थी, आपको याद होगा छठा चरण होता था, सातवां चरण हो रहा था वहां पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरिट के आधार पर लोगों को जॉब दे दी जाती थी। लेकिन बिहार को भी लगा कि अब चीजें बदली है, लोग जागरूक हुए हैं, लोग पढ़े लिखे ज्यादा मिल रहे हैं, तो उन्होंने बीपीएससी को जिम्मा सौंपा कि भैया आप पेपर लो, एग्जाम लो और अच्छे क्वालिटी के टीचर दो। यहाँ बिहार में ये हो रहा है। लेकिन इन लोगों की देखिए क्या मांगे हैं, मांगों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो क्या है, इन लोगों का कहना है कि जेटेट 16 के उत्तीर्ण को डायरेक्ट भर्ती में शामिल कर, जो है डायरेक्ट बहाल ही कर दो, इनका ये कहना है। मैं इससे आपत्ति दर्ज इसलिए कराना चाहता हूं कि झारखंड बहुत छोटा राज्य है, अगर यहाँ 26,000 की भर्ती आ जाती है ना, अगली भर्ती 5-10 साल के बाद आएगी, ये आप समझ लो। और इन लोगों को मैं भी बता देता हूँ, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में गंद फैलाने आएंगे जेटेट 16 वाले, मुझे पता है ये लोग हमेशा आते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूँ, इन लोगों को कड़वा लग जाता है। देखिए होता क्या है ना, जेटेट 2016 का इन लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं है। जेटेट 16 के नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जेटेट क्या है, एक मात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा है, रिक्रूटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें ये लाइन भी लिखी हुई है स्पष्ट कि इसमें आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इन लोगों ने फॉर्म भरा उस चीज को मानकर, सारे टर्म और कंडीशन को, अब बोल रहे हैं कि नहीं भैया 2012 में ये हुआ था, इस बार भी ऐसा ही करा दो। खैर देखिए, अब सरकार की मैं गलती बताता हूं, ये तो मैंने 16 वाले की गलती बताई। इनको जो है बुलाया गया है, कब बुलाया गया है, 17/7/2023 को जो बातें हुई थी उसके अनुरूप जो है इनको 9 तारीख को बुलाया गया है। ऑफिस में आइए आप और अपने दावे को या फिर जो भी आपका साक्ष्य है वो रखिए। ऐसा किसने कहा है, कैलाश मिश्रा सहायक निर्देशक है प्राथमिक शिक्षा की। तो इन लोगों को मैं बताता हूं, लेटर जारी करने के लिए आपके पास समय है, एक लेटर टाइप करके ये भी कर देते जेएसएससी के द्वारा कि भैया सीटेट वाले को वैलिडिटी दी जाती है और फटाफट एग्जाम कंडक्ट करा लो। लेकिन ना, ये तो ना करेंगे, इन्हें तो चाहिए कलेश। वो टीवी सीरियल में एक ना एक इंसिडेंट होते जाता है और एपिसोड 2000-5000 एपिसोड खिंच जाते हैं ना। मैंने इन झारखंड टेट को लेकर जो वीडियो बनाई है, झारखंड रिक्रूटमेंट को लेकर वीडियो बनाकर मैं 10-15 हजार रुपए कमा गया हूंगा, लेकिन सरकार के कान में चू नहीं रहेगा। और सरकार ने अभी तक इस मसले पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। मुझे पता नहीं कि मैं और कितने रुपए कमा लूंगा सिर्फ ये वीडियो बनाकर। आपको लग रहा होगा कि मैं खुश हो रहा हूं, मैं बिल्कुल व्यथित हूं, टेंशन में हूं कि इस तरह से चीजें क्यों हो रही है, लोगों के उम्र निकले जा रहे हैं, सरकार उम्र सीमा में भी छूट भी नहीं देगी। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि आगे आए और फ्रंट फुट पे खेले। बैक फुट पे कितना दिन खेलोगे हेमंत सोरेन भाई, पीछे खेलते रहोगे तो पीछे रह जाओगे, अगली बार सरकार तो बनने से रही आपकी। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि अगले बार वोट देते समय प्लीज एक बार याद रखिएगा कि सरकार ने आपको कैसे कैसे रुलाया है, और तभी वोट देना आप। सरकार कभी भी आपके हक की बात नहीं करती है। ये तो हाईकोर्ट था जिसने आगे आकर जो है सीटेट वाले लोगों के लिए जो है आवाज उठाई है। सरकार तो चाहती थी कि आप रसातल में चले जाओ, नीचे गिर जाओ, गड्ढे में गिर जाओ, आगे ये बढ़ाने वाली नहीं थी सरकार। लेकिन हाईकोर्ट का डंडा इन पे चला है, लेकिन देखो इनकी हट धर्मिता, अभी तक इन्होंने एक भी बार नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा है, ना ही कोई स्टेटमेंट आया न्यूज़पेपर में। मैंने 3-4 वीडियो बना दी है इसके ऊपर, हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में, प्रभात खबर के न्यूज़पेपर में न्यूज़ छप चुकी है कि ये भर्ती स्थगित होगी, लेकिन ये सस्पेंस में रखेंगे। मैंने कहा ना इनको ड्रामे वाले सीरियल बहुत पसंद है, टीवी सीरियल, ये ड्रामा करेंगे। और फिर देखना, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ, ये 13 तारीख से पहले एक नोटिफिकेशन निकालेंगे कि किसी कारण से जो है इस परीक्षा को रोका जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है, और फिर ये सर हाईकोर्ट के अनुसार चलेंगे। इससे अच्छा खुद खुद जो है कुछ कर लो, बार बार सरकार को ऐसे करना शोभा नहीं देता है। इतने बड़े पदों पर आप लोग हो, छोटे लोगों की, जिन लोगों ने लाखों रुपए माँ के ज्वेलरी को बेचा, जमीन को बेचा और बीएड किया है, उन लोगों के दुख दर्द को समझिए हेमंत सोरेन, नहीं तो आप ऐसे ही सरकार में नहीं रहने वाले हो। थोड़ी बहुत काम ही कर लिया करो ताकि आप आगे बढ़ पाओ। फिलहाल आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जेन्युइनली आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। और मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान में, बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बिलीव करता हूं, संविधान से ही देश चलेगा। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग बिल्कुल अपनी राय अपने अनुसार रखिए, मैं भी आपका जो है जवाब, आपके रिप्लाई जवाब को जो है देखूंगा और उसको जो है उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके राय रखिएगा, लेकिन बस शब्दों की और जो भाषा की मर्यादा है, उसे गरिमा है, उसे बनाए रखिए। मैं आपके जो जवाब है उसका जो है आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और
तर्कसंगत बातें रखिएगा, ये नहीं कि मैं 7 साल से इंतजार कर रहा हूँ, 8 साल से इंतजार कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ, जिन्होंने 2017 में बीएड करा था कंप्लीट, उनके साथ वो 8 साल से इंतजार नहीं कर रहे कि जेटेट हो जाए या फिर भर्ती हो जाए? तो ये मेरा मानना है। फिलहाल आप लोगों की जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।